न्याय आपके द्वार के तहत जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित गुरुवार रात्रि प्रताप सिंहपुरा पहुंचे। यहां कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। न्याय आपके द्वार कैंप में बिजली पानी सड़क सहित आवासीय पट्टे सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीण पहुंचे थे। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिए। वहीं बिचपुरी ग्राम पंचायत के पीपली गाँव के लोगों ने तहसीलदार के खिलाफ शिकायत की। विभिन्न समस्याओं से त्रस्त ग्रामीण महिलाओं ने कलेक्टर का रास्ता भी रोका। जिला कलेक्टर ने उन्हें समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। मैंने यहाँ पे प्रताप सिंहपुरा गांव में आके यहाँ के कैंप की पूर्व तैयारियों का निरीक्षण किया और साथ में अब तक कितनी प्रगति हुई है कैंपों में उसकी भी समीक्षा की। तो अमूमन सभी विभागों ने काफ़ी अच्छी प्रगति की और कुछ कार्य योजना बनाई है। जैसे पंचायत समिति की तरफ से कार्य योजना बनी है कि कैसे बचे हुए लोगों को आबादी के पट्टे दिए जा सके। उसमें BDO साहब ने घर घर सर्वे भी कराया है और जो लोग वंचित रहेंगे उनके आवेदन इकट्ठे कराए हैं। तो और उम्मीद की जा रही है कि वो लगभग 5000 पट्टे यहाँ पे निगराना पंचायत समिति में जारी कर देंगे। इसी तरह उपखंड अधिकारी महोदय हैं, वो अपने पुराने राजस्व मामले हैं उनका निस्तारण कर रहे हैं और उसमें भी काफ़ी अच्छी प्रगति आई है। रोजाना 50-60 मामले निस्तारित हो रहे हैं और उम्मीद की जा रही है वो भी लगभग 1500-2000 मामले निस्तारित कर देंगे। सरकार ने कल आदेश जारी किया है, माननीय पंचायत मंत्री ने कहा है कि खातेदारी में हम पट्टे देंगे, ये आपके यहाँ भी जारी नहीं हो रहे हैं। ये यहाँ पे अभी लगभग सभी गांवों में गैर मुमकिन आबादी जो सिवायचक सरकारी दर्द थी वो SDM साहब ने पंचायतों को ट्रांसफर कर दी है और भी सर्वे करा के जहाँ जहाँ सामने आ रहा है आबादी अगर सिवायचक में है तो सर्वे के बाद उसका नामांतर दर्ज करा जाता है। इसके अलावा और कोई एक रोजगार का कल रात को मुद्दा आया था, रोजगार की बड़ी यहाँ पर स्थानीय उद्योगों में बेरोजगारों को यहाँ कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर जो लोगों की मांग थी उसके हिसाब से यहाँ पे रोजगार करने से आज कर्मचारी बुलाए जा रहे हैं और पंजीयन करा रहे हैं कि जो जो लोग इच्छुक हैं और जो क्वालिफाइड हैं उनका यहाँ पे पंजीयन करेंगे और जो स्थानीय यहाँ पे निकाय लगे हुए हैं इंडस्ट्रीज उनमें आवेदन भेज के कोशिश करेंगे कि वो उनमें समायोजन हो जाए, उनका उनको नौकरी मिल जाए। श्रम मंत्री यहाँ पर विधानसभा से ही है, उन्होंने नीमराना में कैंप लगाया था लेकिन उसके कोई अच्छे परिणाम नहीं निकले और आज तक एक सिंगल रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। तो ऐसे में आप क्या इसकी समीक्षा करेंगे कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको किस तरह की आवश्यकता है और यदि कोई इनमें क्षमता वर्धन की आवश्यकता है कि कोई स्किल अगर स्पेशली चाहिए तो RSLDC के माध्यम से और स्किल उनका अपग्रेड करा के उनका समायोजन हो सके उसके बारे में कोशिश करेंगे।